स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ENN पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एग्रीकल्चर। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में खत्म किया है और आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस चैप्टर को आज एंड करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो सबसे पहले समझते हैं हॉर्टिकल्चर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता दिया गया कि हॉर्टिकल्चर भी एक साइंस है। ठीक है, ये भी विज्ञान की एक फील्ड होती है जिसमें हम लोग फ्रूट्स का प्रोडक्शन देखते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को किस तरीके से हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इस सभी की जो स्टडी होती है वो हॉर्टिकल्चर वाली ब्रांच में करी जाती है। और यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स का। एंड इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। तो इन शॉर्ट फिर से देखते हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब फलों को उगाना। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर फल आ जाएंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर फूल आ जाएंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर वेजिटेबल्स आ जाएंगी। तो ये सब होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो अभी हमने जाना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, अब हम देखेंगे आगे के टॉपिक में क्या बताया गया हमको। अगर हम हॉर्टिकल्चर को एग्रीकल्चर से कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती हैं वो आपने अभी देखी थी, हमने इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि हम लोग वीट को ग्रो करते हैं, हम लोग पैडी ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, सोयाबीन ग्रो करते हैं, ऑयल सीड्स ग्रो करते हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर में हम स्पेशली फोकस करते हैं फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, फ्लावर्स पर, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिनको हम हर्ब्स कहते हैं, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब जो हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने घर में सजावट के लिए यूज करते हैं। तो इन सबको हमने डाला है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की कैटेगरी में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स की, मतलब जिनको हम खाने के लिए नहीं उगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रबर की। रबर हमारी लाइफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रबर की चीजें आपको काफी आपके आसपास देखने को मिल जाएंगी, गाड़ी के टायर से लेके बहुत सारी चीजों में रबर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रबर कैसी क्रॉप है। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब हमारी अर्थ पे से उन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं जहां से इक्वेटर, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वो जिस जिस कंट्री से पास करता है जनरली वहां पे रबर उगाई जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी रबर की खेती अब लोग कर पा रहे हैं। एंड इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, मतलब रेनफॉल काफी ज्यादा मांगते हैं यहाँ पर, 200 सेंटीमीटर। एंड टेम्परेचर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में रबर की खेती होती है केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और मेघालय में भी गारो हिल्स जो है वहां पर भी ये रबर की जो प्रोडक्शन है वो होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट मेघालय विच इज इन द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ अवर कंट्री, वहां पर भी गारो हिल्स में रबर की क्रॉप को उगाया जाता है। तो अभी हमने देखा रबर के बारे में और अब हम देखते हैं आगे और कौन कौन सी नॉन फूड क्रॉप्स हमको यहाँ पे पढ़नी है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ये सब फाइबर क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जो चार अभी हमने देखे, ये चार क्या है, ये मेजर फाइबर क्रॉप्स है जिनको हम हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में ग्रो करते हैं। अब अगर हम स्पेशली देखें सिल्क को, तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर, मतलब सिल्क फाइबर को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको यूज करना होता है सिल्क वॉर्म्स को। ये सिल्क वॉर्म्स आपको अभी बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है उसमें ये सिल्क वॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, यही वो सिल्क वॉर्म्स हैं जो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और सिल्क वॉर्म्स को रेयरिंग करते हैं जब हम, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। तो इस तरीके से फाइबर क्रॉप्स में ये चार मेजर क्रॉप्स अभी हमने देखी, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। एंड नाउ लेट अस सी अबाउट कॉटन, थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे कॉटन के बारे में। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी कॉटन है वो एक खरीफ क्रॉप है और ये जनरली जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पे
थोड़ा सूखापन रहता है, वहां पे बहुत अच्छे से इसकी खेती कर ली जाती है। जनरली जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, या ब्लैक कॉटन सॉइल जो हमको डक्कन प्लेटू में देखने को मिलती है, ठीक है। तो डक्कन प्लेटू वाले एरिया में कॉटन की काफी ज्यादा खेती होती है, एंड इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की डिमांड होती है, बहुत लाइट रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन करना रहेगा, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की इसको रिक्वायरमेंट होती है, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में कॉटन की खेती करी जाती है। आगे देखते हैं, एंड नाउ वी विल सी जूट। ये भी हमारे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फाइबर क्रॉप होती है, और इसको ग्रो करने के लिए आपको फर्टाइल सॉइल्स चाहिए, और कहाँ की फर्टाइल सॉइल्स? फ्लड प्लेन्स के आसपास की। ये फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जहां से भी कोई नदी बहती है तो उसके आसपास का जितना भी फ्लैट ग्राउंड वाला जो एरिया होता है, उस एरिया को हमने नाम दिया है फ्लड प्लेन्स। मतलब फ्लड प्लेन्स के आसपास आपको नदी जरूर बहती हुई देखने को मिलेगी। तो फ्लड प्लेन्स में जो फर्टाइल सॉइल्स होती है, वहां पे जूट की बहुत अच्छी खेती हो जाती है। एंड मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय, यहाँ पे जूट की बहुत ज्यादा खेती करी जाती है। और जूट को हम यूज करते हैं गनी बैग्स बनाने के लिए, मैट्स हो गई, चटाई वगैरह हो गई, रोप्स, रस्सी बनाने के लिए, यार्न, कार्पेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो इन सब चीजों के लिए जूट का बहुत ज्यादा यूज होता है। इन शॉर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल चाहिए जूट को ग्रो करने के लिए। जनरली फ्लड प्लेन्स इसके लिए बेस्ट एरिया होता है, और हमने अभी देख लिया मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। आगे देखते हैं, एंड नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए दोस्तों, हमारी कंट्री में आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में तरक्की करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं। हमारे यहाँ पे मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जब हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो हमने बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी किए, जैसे कि कलेक्टिवाइजेशन हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हो गए, कॉपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है, जमींदारी सिस्टम भी हमने बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो ये क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स मीन्स टू ब्रिंग टूगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड्स एंड मर्ज देम इनटू वन लैंड। मतलब आजादी के पहले हमारे भारत देश में जब हमने आजादी को हासिल किया तो बहुत सारे जमीन के टुकड़े देखने को मिलते थे पूरे देश में, उनको मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको मिला के बड़े बड़े लैंड में कन्वर्ट कर दिया, ताकि उनका मेंटेनेंस ईजी हो जाए, और जिससे हमारी गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट भी हुआ। इसके साथ साथ हमने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया। तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो हमने आजादी के बाद किए। इन 1960s एंड 1970s टेक्निकल रिफॉर्म्स सच एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। देखिए 1960s और 70s के टाइम पे इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था डेवलपमेंट के लिए। अब इंडिया के पास इतना पैसा तो उस समय नहीं था कि वो पैसा का इन्वेस्ट करके सीधे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दे और किसी और तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। तो एक ही ऑप्शन बचा था, सबसे प्यारा ऑप्शन था खेती करके, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देके। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती है उनको बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए, रिफॉर्म्स किए, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग पर्टिकुलरली पूरा फोकस किया गया, अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोगों ने खेती करना सीखा, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हुआ। इन सब से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की कंडीशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दीज इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जिसके कारण आज हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। इन 1980s एंड 1990s वेरियस प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। 80 और 90 के दशक में क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट हो चुका था,
कि अगर किसानों की फसल अगर बहुत ज्यादा पानी गिर जाए या फिर ड्रफ्ट आ जाए और फसल नहीं हो पाए अच्छी, तो उनको इंश्योरेंस मिलने लगा, ग्रामीण बैंक्स बनाए जाने लगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनने लगी, और बैंक भी किसानों को लोन देने की फैसिलिटीज को स्टार्ट कर चुका था। इससे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस सब में अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट हो गया है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी किसानों के लिए शुरू कर दी गई है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाई हैं हमारे फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए। स्पेशल वेदर बुलेटिन हमारे देश में आप न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम अगर हम बात करें नेशनल टीवी की, हमारे दूरदर्शन चैनल की, तो दूरदर्शन पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स उसमें आते हैं, जिससे फार्मर्स को तरह तरह के टेक्नोलॉजी के बारे में और किस तरीके से वो अपनी खेती को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। रेडियो और टेलीविजन पे भी इन सब के लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है ना, तो ये भी बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे देश में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसान जब बहुत बड़े लेवल पे या बोल सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग करता है, तो गवर्नमेंट उससे एक फिक्स प्राइस पे पूरा जो उसने जो भी उगाया उसको खरीद लेती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा प्राइस हमारी गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है ताकि किसान का कोई नुकसान ना हो, है ना, उतना उसको पैसा उस पर मिल ही जाए जो भी वो क्रॉप्स वहां पे बेच रहा है हमारी गवर्नमेंट को। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल सेट कर दिया गया है ताकि किसानों में और गवर्नमेंट के बीच में कोई मतभेद ना हो। एंड रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी होते हैं, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है, तो हम इकोनॉमिक्स में इसको आगे पढ़ेंगे, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए हमने सेट कर दिया है, और इससे हम लोगों ने फार्मर्स के एक्सप्लोइटेशन को भी रोका है। कई बार क्या होता है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर नहीं है तो क्या होगा, फार्मर्स को लोग मजबूर कर देंगे, तो वो बहुत कम कीमत में अपनी खेती में उसने जो भी उगाया उसको बेच देता है, तो उसको काफी नुकसान होता है। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ क्या होता है, फार्मर्स इन नुकसान से बच जाते हैं। एंड नाउ वी विल सी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। हमारे भारत देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है, एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 2010 और 11 में एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में 52% 52% जो टोटल वर्कफोर्स थी वो एग्रीकल्चरल या फिर फार्म सेक्टर से बिलोंग करती थी। इंडिया की जीडीपी की बात करें या फिर इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, बट इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया की जीडीपी इतनी अच्छी नहीं ग्रोथ कर पा रही है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हमारे अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मिले, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप किया है ताकि वो इंश्योर करे फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन, मतलब हर नागरिक को, हमारे भारत देश के हर नागरिक को खाना मिलता रहे। जीवन जीने के लिए खाना बहुत जरूरी होता है, फूड बहुत जरूरी होता है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, जैसा कि अभी आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जो मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी आप यहाँ पे बोरियां देख रहे हैं, इसमें अनाज भरा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरीके से अनाज को कहीं पे स्टोर करती है, ठीक है, गोडाउन वगैरह में अनाज को स्टोर किया जाता है, उनको केयर किया जाता है इन अनाज की, है ना। और जब हमारी कंट्री में कोई मुसीबत का समय आता है, वॉर का टाइम हो जाता है, या फिर कोई आपका नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे समय में ये खाना लोगों को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ तो बफर स्टॉक तो अभी हमने देख लिया, इसके साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाया गया है। आपने देखा होगा राशन कार्ड के बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे कि लोग अपने आसपास के एरिया में कुछ दुकानें होती है, वहां पे वो लोग जाते हैं, अपना राशन कार्ड शो करते हैं, और उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहां से वो लोग कुछ अनाज को खरीद पाते हैं बहुत कम से कम दाम में। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है हमारे इंडिया में। पहला जो हमको कंपोनेंट देखना है वो है बफर स्टॉक, जिसमें हम लोग अनाज को स्टोर करते हैं इमरजेंसी के टाइम के लिए, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप ऑलरेडी जानते हैं। एंड नाउ वी विल सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो नोन एज FCI इन शॉर्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, मतलब जैसे कि अभी हमने जो बफर स्टॉक देखा था, इसको मेंटेन करने का काम किसका है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम हम बोल सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो हमारी पूरी कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होता है।
और पीडीएस जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं फूड ग्रेन्स को और अदर एसेंशियल कमोडिटीज को एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करी जाती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर देखें नेशनल फूड सिक्योरिटी का, तो वो क्या है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस, मतलब हर नागरिक को हमारे देश के अफोर्डेबल प्राइस में, बिल्कुल कम से कम कीमत में खाना, फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए। द पुअर शुड हैव एक्सेस टू द फूड, गरीबों को भी फूड का एक्सेस होना चाहिए। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स, ठीक है। तो हम प्रोक्योरमेंट प्राइस को भी, जो हमारा सपोर्ट प्राइस है, प्रोक्योरमेंट करते हैं जब हम व्हीट और राइस का, तो उसको भी मेंटेन करने का काम कहीं ना कहीं एफसीआई का होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर पर। तो ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उसके समय से ग्लोबलाइजेशन की स्टार्टिंग हो गई थी। ग्लोबलाइजेशन आप सभी जानते हैं कि आज की अगर हम बात करें आज के समय की, तो हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंड हो चुकी है, हर कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करती है, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट होता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अगर हम बात करें, तो कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हमारे भारत से कॉटन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। आफ्टर 1990 हमारे भारत देश के जो किसान थे उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने पड़े बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अरे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हो गई, यूएसए हो गया आपका, यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोस कंट्रीज। एंड नाउ वी विल सी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिवोल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नाउ डेज, मतलब आज के समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है। एंड नाउ वी विल एंड दिस चैप्टर विद द लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने अक्सर सुना होगा और जनरली हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज्यादा यूज करने लगे लोग, क्योंकि इससे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होता है और हमारे को बहुत ज्यादा अच्छी क्रॉप्स भी देखने को मिल जाती हैं और हमारी शरीर को भी नुकसान नहीं होता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनसे होने वाले नुकसान को अगर हमको रोकना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको यूज करना चाहिए। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो इन फैशन दीज डेज बिकॉज इट इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज, मतलब यहाँ पे वही बताया गया है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे आप, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। रेदर देन यूजिंग दीज टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, आप लोग फोकस करेंगे नेचुरल वेस्ट की तरफ, ठीक है, कुदरती तरीके आप अपनाएंगे अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए। एंड हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर, बुरे असर एनवायरमेंट पे नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें हमारे भारत देश के किसानों को, तो उनको भी क्या करना चाहिए, उनको क्रॉपिंग पैटर्न्स को कुछ इस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो अपनी इनकम को भी बढ़ा पाए और हमारे एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको भी रोक पाए। तो इतना ही इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, चैप्टर 4 कंप्लीटली, ये दो पार्ट में हमने इस चैप्टर को खत्म किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ई अनंत को, क्लास 10th एनसीईआरटी कंप्लीट सोशल साइंस को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।